इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी आचार्य। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भर में दो ट्रेलर ने लिया गायों को चपेट में, 11 की मौत, 9 गंभीर रूप से घायल। नागौर के रियाबड़ी में पर्यावरण पर भारी पड़ा अवैध बजरी खनन, खनन विभाग की अनदेखी से करोड़ों हो रहा राजस्व घाटा। रतनगढ़ में पुलिस ने धरने पर बैठे लोगों पर बर्फाए डंडे, जोहड़ पायतन भूमि पर से कब्जा हटाने की थी मांग। और रामदेवरा में मनिंदर जीत सिंह बिट्टा ने किए बाबा रामदेव समाधि के दर्शन। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन हैं मनिंदर जीत सिंह बिट्टा। बिट्टा को लाइफ टाइम मिली जेड श्रेणी सुरक्षा। और अब खबरें विस्तार से। रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र में अवैध बजरी कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पर्यावरण एनओसी नहीं मिलने से बजरी खनन पर रोक लगा दी गई थी। बजरी खनन पर रोक लगे करीब 10 माह बीत गए हैं और शहरों में बजरी की किल्लत महसूस की जा रही है। दूसरी ओर अवैध बजरी खनन से चांदी कमाने के चक्कर में खनन माफियाओं के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। खंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा के द्वारा सख्त निर्देश बेअसर दिखाई दे रहे हैं। खनन विभाग की अनदेखी के चलते क्षेत्र में अवैध बजरी खनन बढ़ता जा रहा है। बीजापुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में करीब 100 डंपर रोजाना रात्रि में अवैध भरकर सीकर, जयपुर, अजमेर की ओर जाते हैं। वहीं क्षेत्र में सरकारी जमीनों की खनन माफिया ने खुर्दबर्द कर रख दिया है, लगे हुए पेड़ भी नष्ट कर दिए गए हैं। पंचायत प्रशासन की ओर से शिकायत के बावजूद केवल कागजी कार्यवाही होती जा रही है, लेकिन मौके पर खनन माफिया के द्वारा अवैध बजरी खनन बैरोक टोक किया जा रहा है। खनन विभाग के द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसके कारण खनन माफिया के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेम सिंह शेखावत जी। जी प्रेम, बताएं। रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र में अवैध बजरी खनन का कारोबार रुकने के बजाय दिन ब दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा है, जिन्होंने हर बार जो अवैध बजरी खनन को लेकर प्रशासन अधिकारियों को, खनन विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई इतनी कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। जिस तरीके से जो खनन हो रहा है उसमें कोई खनन माफिया में कोई भेद देखने को नहीं मिला कानून का। और रात भर डंपर है जो सड़कों पे सरपट दौड़ते रहते हैं, और पुलिस प्रशासन की ओर से पिछले 2-3 दिनों से जरूर गश्त की जा रही है। रात्रि में फावला थाना अधिकारी ने एक डंपर को भी जब्त किया, उसकी भी कार्रवाई हुई है, लेकिन खनन विभाग जो मुख्य का जो तहसीलदार है, उपखंड अधिकारी है, इनका सबका कहना है कि अवैध बजरी खनन को लेकर जो विभाग जिसकी जिम्मेदारी में आता है उस विभाग की तरफ से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस कारण से ये अवैध बजरी का कारोबार बढ़ रहा है। जी, तो यहाँ तक कि कोर्ट के आदेश हो चुके हैं कि इस तरह का कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद भी ये काम धड़ल्ले से चल रहा है, तो इस पर प्रशासन अब 2 दिन से सिर्फ जागा है। इससे पहले क्या हो रहा था? प्रशासनिक अधिकारी है गौरी शंकर शर्मा, उपखंड अधिकारी, इन्होंने तो सख्त निर्देश दे दिए, लेकिन जो कार्रवाई करने वाले हैं जिनके अंडर में कार्रवाई हो रही है उनकी तरफ से ढिलाई बढ़ती जा रही है। इस कारण से अवैध खनन करने वाले हावी होते जा रहे हैं, जैसे कि खनन विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से ठोस, जैसे अवैध जो सरकारी जमीन पे अवैध बजरी खनन करने वाले हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक खनिज विभाग की तरफ से केवल डंपर को पकड़ना, किसी वाहन के खिलाफ में कार्रवाई करना ये हो रहा है, बाकी जिस जगह से खनन हो रहा है उनके ग्रामीणों ने नाम भी बताए हैं कि ये जो लोग हैं जो अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन खनिज विभाग के द्वारा सीधी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस वजह से उनको बार बार मौका मिल जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता प्रेम सिंह शेखावत, जिन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश हैं और प्रशासन जो है वो मूक दर्शक बना हुआ है। यहाँ पर जो भी जितने भी अधिकारी हैं उनके सख्त निर्देश हैं, लेकिन जो बीच में जो इस कार्य को अंजाम देते हैं वो लोग इस काम को बहुत ही धीमी गति से कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो खनन माफिया है वो बेखौफ होकर इस
बजरी खनन को बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण परेशान है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर से। चुरू के रतनगढ़ में स्थानीय गायत्री माता मंदिर हरी राम बाबा परमाण ताल बचाव संघर्ष समिति द्वारा दिया जा रहा शांतिपूर्ण धरना मंगलवार को 8वें दिन भी जारी रहा, लेकिन रतनगढ़ के थाना प्रभारी को गुस्सा उस वक्त आ गया जब वो समझाइश के समय एक रस्सी में उलझकर जमीन पर गिर गए। उन्होंने इसके तुरंत बाद महिलाओं और वृद्ध लोगों पर लाठी चार्ज करवा दिया। इस दौरान 4-5 लोगों को पुलिस पकड़ कर भी ले गई, जिनमें 3 वृद्ध जनों की पिटाई के कारण तबीयत बिगड़ गई। इसके बावजूद भी पुलिस ने उन्हें पुलिस थाने में कैद रखा। मुख्यमंत्री के जाने के बाद करीब 4 घंटे बाद परिजन जब थाने पहुंचे तो उनकी हालत नाजुक थी, जहां पर चिकित्सकों ने भगवती प्रसाद की हालत गंभीर होने पर उन्हें बीकानेर रेफर कर दिया। धनाड़ के ऊपर रतनगढ़ थाना प्रभारी द्वारा किए गए इस व्यवहार को लेकर शहर की जनता में आक्रोश फैला हुआ है। आज 8वें दिन में संपन्न होने जा रहा था। वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार यहाँ आ रही थी। हमारी महिला जागृति संस्था ने मतलब 200-300 महिलाएं वहाँ इकट्ठी थी। वहाँ हैराम बाबा मंदिर, गायत्री मंदिर और परमाणताल बचाओ संघर्ष समिति के सारे लोग उपस्थित थे, और हमारा उद्देश्य था उनको रोक के उनको सम्मान करना। सम्मान करेंगे, माल्यार्पण कर उनको ये खड़े खड़े भूमि दिखा देंगे। ये भूमि ये जो है सार्वजनिक भूमि थी, इसको खुरद बुरुद कर दिया गया था और घुमाचियों ने जो खुरद बुरुद करके और इसको बेचने का प्रयास कर रहे थे। कोई नौबत नहीं थी, ये पुलिस की गद्दारी थी, उन्होंने जानबूझ के किया था। SDM ने आदेश कर दिया इनको अंदर डालो इनको अंदर डालो। महिलाओं में ज़्यादा महिलाओं में धक्का मुक्का किया है ये पुलिस वालों ने, CI ने विशेष रूप से किया। मुसलमान समाज के अध्यक्ष जो है सायरा बानो, उसके ज़्यादा चोट आई है। CI ने धक्का दिया ज़बरदस्त तरीके से, गिरी गिरी उससे ज़्यादा चोट आ गई। मतलब पुलिस वालों ने हमारे साथ जाति की SDM के आदेश पर बूंदी की टाइगर हिल पर मानधात की छतरी और सुगम निर्माण की मांग को लेकर या मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मांग को लेकर विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में जुड़े। यहां से भाजपा संकल्प सिद्धि संभाग संयोजक गौरव शर्मा और सुनील हार्डवेयर में रवाना होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मांग पूरी करने का ज्ञापन सौंपा। शर्मा ने कहा कि प्रशासन ने 1 माह में छतरी निर्माण का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके कई माह गुजरने के बाद भी इसे पूरा नहीं किया गया। बार बार याद दिलाने के बाद भी प्रशासन गौर नहीं कर रहा है। ऐसे समय में जबकि आम समाज के किसी भी वर्ग द्वारा इस कार्य का विरोध नहीं किया जा रहा है, ऐसे में छतरी तक पहुंचने के लिए जल्द इस पर सीढ़ियों का निर्माण कराया जाना चाहिए और चेतावनी दी कि यदि जल्द काम शुरू नहीं किया गया तो गौरव यात्रा के दौरान हाई सेकेंडरी स्कूल मैदान के बाहर मुख्यमंत्री को अवगत करवाया जाएगा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भाजपा कार्यकर्ता संगठन के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। शिखावटी यूनिवर्सिटी सीकर की ओर से आयोजित अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता में झुंझुनू आइकॉन कॉलेज की 2 छात्राओं ने स्वर्ण और रजत पदक जीते। सरकारी कॉलेज गुड़ागौरजी में हुई क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में 10 किलोमीटर दौड़ में छात्रा पूजा ने स्वर्ण पदक और सपना ने रजत पदक जीता। झुंझुनू आइकॉन कॉलेज चेयरपर्सन शिवाना फारूकी ने बताया कि ये दोनों खिलाड़ी शिखावटी विश्वविद्यालय की ओर से कर्नाटक में राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। दोनों छात्राओं के लिए खेल सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। कलेक्टर ने भी दोनों छात्राओं को उपलब्धि पर बधाई दी, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सरोज राव, खेल कोच इंदु गोदारा, पूर्व PRO सवाई सिंह मौजूद रहे। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरे को मौका मिला आगे जाने के लिए। वैसे मैं ये मेरा सेकंड टाइम है, लास्ट ईयर भी मैं गई थी ऑल इंडिया खेलने के लिए, इस बार भी जा रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ पहले से ज्यादा अच्छा करूँ और आने वाले टाइम में मेडल भी लेके आऊँ। हमारी कॉलेज की बच्चियों ने आज गोल्ड मेडल और
ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हमारे कॉलेज में खुशी का बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है। हम उम्मीद करते हैं इनका भविष्य और उज्जवल हो और आगे चल के ये अपना नाम रोशन करें, भारत विषय में खेलें। मैं काफ़ी 9-10 सालों से प्रैक्टिस करवा रही हूँ बच्चों को, और मेरे बच्चे ऑल इंडिया स्तर पे भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, करते आए और करते रहेंगे। मेहनत में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कॉलेज की तरफ से सारी सुविधा है। घर घर अंबेडकर अभियान के तहत समता सैनिक दल ग्राम इकाई राणेरी ग्राम पंचायत रावरा और ग्राम इकाई राणेरी अध्यक्ष कन्हैयालाल बारूपाल की अध्यक्षता में मेघवालों की ढाणियों में राजनीतिक चेतना आयोजित हुई। बैठक में बोलते हुए समता सैनिक दल तहसील सचिव रामचंद्र पवार ने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र देश का भविष्य है, राजनीति के बल पर सत्ता तक पहुंचा जाता है, राजनीतिक सत्ता सब समस्याओं की मास्टर चाबी है, राजनीतिक चेतना से ही देश और समुदाय का विकास अपेक्षित संभव है, इसलिए जरूरी है कि युवा लोग राजनीति के प्रति समाज को सही दिशा दें और समाज की दिशा को देखते हुए दिशा को सुधारें। इस बैठक में ग्राम इकाई बाप सक्रिय कार्यकर्ता हीरालाल गहलोत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ग्राम इकाई राणेरी देवराम बारूपाल, श्रवण बारूपाल पूर्व पंचायत समिति सदस्य उदारा, अशोक कुमार मोहलाल, अध्यापक मूलाराम बारूपाल आदि उपस्थित रहे। मेड़ता सिटी ऑल मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी के तत्वावधान में जनरल नॉलेज कंपटीशन और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के पूर्णकालिक सचिव दीपक पाराशर और नागौर जिला शिक्षा अधिकारी रजिया सुल्ताना थी। रक्षा निवेशक कबीर खान ने बताया कि जनरल नॉलेज कॉम्पिटिशन में 150 प्रतिभाओं ने हिस्सा लिया। 80 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गणमान्य लोग मौजूद रहे। बुधवार को चिलाचोल पंचायत के रनपुरा गांव में प्रयत्न संस्थान द्वारा परियोजना अंधेरे से उजाले की ओर के तहत राजकीय विद्यालय रनपुरा में बुधवार को अध्यापक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सहायक परियोजना अधिकारी रामेश्वर चौधरी ने बताया कि शिक्षा से ही समाज का निर्माण होता है, जिससे मनुष्य को जीवन में सम्मान, ज्ञान, स्वयं की क्षमताएं आदि सभी को प्रकट करने का मौका मिलता है। विद्यालय की गतिविधियों में समुदाय की सक्रिय भागीदारी हो, जिसके लिए शिक्षक सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में विद्यालय प्रधान अध्यापक कमल गिरी ने बच्चों और समुदाय को संबोधित करते हुए बताया कि शिक्षा बच्चों के जीवन की महत्वपूर्ण है, जिसके लिए समुदाय और शिक्षकों को एक कड़ी के रूप में मिलकर काम करना चाहिए और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, इसके लिए आयु के अनुसार प्रत्येक बच्चे को कक्षा में शिक्षा के लिए नामांकित किया जाए। देसूरी निकटवर्ती गांव गुणा पृथ्वीराज में 2 दिवसीय बाबा रामदेव जी के मेले का समापन धूमधाम से हुआ। मंगलवार सुबह मंदिर प्रांगण से बाबा की जोत के साथ डीजे की मधुर धुन के साथ गाते बजाते जय बाबारी के जयकारे के साथ वरघोड़ा रवाना हुआ, जो गांव के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए 4 घंटे बाद मंदिर पहुंचने पर मेले में परिवर्तित हो गया। मेले में मेवाड़ की प्रसिद्ध गौरी नृत्य का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। दोपहर में केंद्रीय विधि मंत्री पीपी चौधरी मेले में पहुंचे। मेला कमेटी और मेला संयोजक विरम महाराज सहित ग्रामीणों ने ढोल धमाके से चौधरी का तिलक लगाकर माल्यार्पण कर साफा पहनाकर जोरदार स्वागत करते हुए मंच पर पहुंचाया। मंत्री चौधरी ने मेले को संबोधित करते हुए कहा कि धार्मिक मेलों से आपसी भाईचारे को बढ़ावा मिलता है, ऐसे आयोजनकर्ताओं को हार्दिक आभार व्यक्त किया जाता है। लोहावट के लुमाराम मेमोरियल महाविद्यालय के छात्रों और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और जिला परिषद सदस्य सत्यनारायण बिश्नोई ने केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए 8,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी। महाविद्यालय के प्रबंधक अजय अजाणी ने बताया कि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए 2,500 रुपए जुटाए और छात्रों ने बुधवार को अपने जन्मदिन पर कोई बड़ा कार्यक्रम और फिजूल खर्ची न करके जिला परिषद सदस्य बिश्नोई को 8,500 की राशि दी। इस दौरान महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर अजीत सुदर्शन, हीरालाल सोनी, अशोक कुमार राव, राकेश राठी, ललित कोठिया, मांगीलाल, राधेश्याम बेनीवाल आदि मौजूद रहे। बूंदी में जेसीआई सप्ताह के तहत विकास नगर बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर पोस्टर प्रतियोगिता और कार्यशाला का आयोजन हुआ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर रानू खंडेलवाल और पूजा विजय ने बताया कि महिला अधिकारिता के विभाग के सहायक निदेशक भैरव प्रकाश नागर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि बेटियां देश के लिए अमूल्य है, हमें कन्या भ्रूण हत्या को रोकना चाहिए, अगर समाज में बेटी नहीं होगी तो वंश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने लिंग अनुपात के बारे में विस्तार से उपस्थित बालिकाओं को जानकारी दी। जेसीआई बूंदी ऊर्जा की ओर से सभी विजेताओं को पारितोषिक वितरित किए गए। इस मौके पर अध्यक्ष डॉक्टर अनुकृति विजय, रुचि सोमानी, व्याख्याता जया शर्मा मौजूद रहे।
ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदर जीत सिंह बिट्टा ने मंगलवार को रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव समाधि के दर्शन किए और देश में अमन चैन की प्रार्थना की। बिट्टा ने बाबा रामदेव समाधि की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद कतारों में लगे यात्रियों से भेंट की। वहीं समाधि समिति कार्यालय में मनिंदर जीत सिंह बिट्टा का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकार वार्ता में खुलकर अपने विचार प्रकट किए। मनिंदर जीत सिंह बिट्टा का नाम सामने आते ही एक अलग सी छवि दिखने लगती है। पंजाब में जन्मे बिट्टा मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही राजनीति में आ गए थे और कांग्रेस सेवा दल से जुड़ गए। बचपन से ही सामाजिक कार्यों में जुटे मनिंदर जीत सिंह भगत सिंह से काफी प्रभावित रहे और उन्हीं की तरह जीने का निर्णय किया। बिट्टा पंजाब के बेअंत सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, साथ ही वो भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वो अपने फ्रंट के बैनर तले सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं और मुख्य रूप से शहीद सैनिक और आतंकवादी घटनाओं में शहीद हुए लोगों के परिवार वालों के लिए काम करते हैं। साथ ही वो देश से आतंकवाद को खत्म करने के लिए भी तरह तरह की मुहिम चला रहे हैं। इनके समर्थकों का कहना है कि आतंकवादी भी इनसे डरते हैं। कुछ लोग इनके फ्रंट को इनकी सेना तक कहते हैं। आज के समय में लोग इन्हें इनकी सुरक्षा व्यवस्था के कारण भी जान रहे हैं। इनके ऊपर कई बार जानलेवा हमला हो जाने के कारण इन्हें लाइफ टाइम जेड श्रेणी सुरक्षा मिली है। साथ ही इनकी प्राइवेट सुरक्षा भी किसी हाई प्रोफाइल राजनेता से कम नहीं है। जो जख्म है, ये जो बम चले हैं शरीरों पे, आधा हिस्से में लोहा है, इसकी दर्दें जो होती हैं वो फूलों की तरह लगती है, क्योंकि ये प्रथम राष्ट्र के लिए लड़ाई थी, सेक्युलरिज्म के लिए लड़ाई थी। जब हिंदू समाज के लोगों को यह कहा जाता था कि आप पंजाब छोड़ के चले जाओ, यहाँ सिर्फ सिख रहेंगे, यहाँ सिर्फ खालिस्तान रहे बनेगा, पंजाब हिंदुस्तान से टूट जाएगा, तो हमने उस वक्त मौत का कफन बांधा था। हिंदुस्तान हमारा है, हमारा धर्म भारत माँ, हमारी जात वंदे मातरम, राष्ट्र हमारा है। खालिस्तान ना बनने दिया, ना बनेगा, ना बनने देंगे। और जब भी खालिस्तान बनेगा, पहले भी हमारी लाशों से गंदी हनेरी की तरह निकल के चला गया, अब भी निकल जाएगा। भगवान के आगे हमारा आशीर्वाद है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। हमारा देश कभी अलग नहीं हो सकता, हमारा देश एक है, प्रथम राष्ट्र है और एक ही है। बर में पक्षी धाम के समीप नेशनल हाईवे 25 पर आज ब्यावर से गुजरात की तरफ जा रहे 2 ट्रेलर चालक ने लापरवाही पूर्वक गायों को चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर करीब 11 गायों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं करीब 9 गायें गंभीर रूप से जख्मी हो गई। हादसे के बाद दोनों ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गए। वहीं घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं कई गौस बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। वहीं गंभीर गायों को उपचार जारी करवाया गया। झुंझुनू के गुड़ा गौड़जी सरकारी कॉलेज में हुए छात्र संघ चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार रमेश मीणा ने जीत की बाजी मार दी है। मीणा ने अपने प्रतिद्वंदी विक्रम सैनी को 5 मतों से हराकर जीत हासिल की है। कॉलेज में अध्यक्ष पद के 4 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला था। कॉलेज में कुल 572 मत थे, जिसमें से 515 मत पोल हुए। प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध से मत पेटियों को पुलिस थाने में रखवाया। मंगलवार को मतगणना हुई, जिसमें अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए रमेश मीणा को 215 मत, उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित पूजा लोनीवाल को 267 मत, महासचिव पद पर निर्वाचित उत्तम चंद को 227 मत, संयुक्त सचिव पर निर्वाचित नीलम को 231 मत मिले हैं। राजकीय महाविद्यालय गुड्डा में 4 पदों के लिए निर्विवाद और शांतिपूर्वक परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो गया है और अध्यक्ष पद के लिए रमेश कुमार मीणा निर्वाचित हुए हैं। उपाध्यक्ष के लिए पूजा लोनीवाल निर्वाचित हुई हैं। महासचिव पद के लिए उत्तम चंद निर्वाचित हुए हैं और संयुक्त सचिव पद के लिए नीलम निर्वाचित हुई है। बूंदी में सोनी संस्था की ओर से स्वर्णकार अजीमगढ़ भवन में नंद उत्सव मनाया गया। संस्था अध्यक्ष विमलेश सोनी ने बताया कि सभी महिलाएं रंग बिरंगे और पीले वस्त्र में सज धज कर आई। इस दौरान राधा कृष्ण शिव पार्वती की मनमोहक झांकियां सजाई गई। महिलाओं ने कृष्ण भजनों पर नृत्य कर माहौल को भक्तिमय कर दिया। इस मौके पर संतोष सोनी, सरस्वती, उषा पार्वती, ज्योति सोनी आदि महिलाएं मौजूद रही।
और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़।